अखिलेश यादव अपने ही नेताओं को धक्का मार रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ विधायक के साथ मंच पर बदसलूकी कर रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा के मंच से सामने आया एक वीडियो बता रहा है। दरअसल अखिलेश यादव बुधवार को अपने भाई धर्मेंद्र यादव के लिए जनसभा करने आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान जनसभा में जमकर भीड़ उमड़ी, जिसमें आजमगढ़ जिले के कई सपा नेता पहुंचे थे। अखिलेश जैसे ही पहुंचे, सपा नेताओं ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनके साथ मंच पर दिखना चाहता था। इस बीच सपा के वरिष्ठ नेता और 9 बार से लगातार सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी सपा नेता के बगल खड़े थे। वो बार बार अखिलेश का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच अखिलेश ने उनका हाथ पीछे करके गुड्डू जमाली को आगे कर दिया। सामने आई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपने वो किस कदर असहज महसूस कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद आजमगढ़ के बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव और सपा को घेरना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ में बुधवार को मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वायरल वीडियो पर बयान देते हुए कहा कि सपा का ये चरित्र है। अभी आपने आजमगढ़ की एक सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी धक्का मुक्की करते हुए वो दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का चरित्र है और जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का वो एजेंडा चला रहे हैं, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। वहीं इसके अलावा पूर्व विधायक राम दर्शन यादव जो फिलहाल बीजेपी में हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ये सफाई वाले यहाँ की जनता और नेताओं को अपना गुलाम समझते हैं क्या? 9 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी को कैसे कल की जनसभा में अखिलेश यादव जी के द्वारा झटक कर साइड किया जा रहा है। एक पूंजीपति को फ्रंट लाइन में लाने के लिए उनकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था। अखिलेश यादव का अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग नहीं समझ पाए तो आने वाले वक्त में सभी नेताओं की राजनीति सैफई परिवार खत्म कर देगा। वहीं ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सपा के मंचों से सामने आई थी जहां मंच पर ही नेता धक्का मुक्की करने लगे थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।